तुम दाम तो पूरे लेते हो और सब्जी कम तोलते हो, तुम लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे बहन जी, क्यों इस सब्जी वाले पर लाल पीली हो रही हो? आपको नहीं पता, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक तो बेईमानी कर रहा है, ऊपर से आंखें दिखा रहा है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने दोनों महिलाओं की बात सुनी। दोनों ने अनेक ऐसे वाक्यांश प्रयोग किए जिनसे सारी बात स्पष्ट हो रही थी। ऐसे वाक्यांश मुहावरे लोकोक्तियां कहलाते हैं। भाषा में विशेष अर्थ देने वाले ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। भाषा को रुचिकर और सुंदर बनाने के लिए तथा सुनने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अपने सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। आइए कुछ मुहावरों से आपका परिचय करवा दें। आंखें दिखाना अर्थात डराना। थानेदार ने जब चोर को आंखें दिखाई तो उसने सच उगल दिया। सिर धुनना अर्थात पछताना। पहले ही कहा था श्याम पर भरोसा मत करो, अब सिर धुनने से क्या फायदा। पत्थर की लकीर अर्थात एकदम सही बात। महेंद्र ईमानदार है, उसकी हर बात पत्थर की लकीर है। आस्तीन का सांप अर्थात धोखेबाज। पहले ही समझाया था अमन का साथ छोड़ दो, वह आस्तीन का सांप है। आसमान से तारे तोड़ना अर्थात असंभव कार्य करना। मेडिकल में प्रवेश लेना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही जेब कतरा 9-2-11 हो गया। गले का हार अर्थात बहुत प्यारा। मेरी बेटी काव्या मेरे गले का हार है। हवाई महल बनाना अर्थात ख्याली पुलाव पकाना। कुछ काम करने से ही आगे बढ़ोगे, हवाई महल बनाने से नहीं। काम तमाम कर देना अर्थात मार देना। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना का काम तमाम कर दिया। हाथ मलना अर्थात पछताना। परिश्रम ना करने वाले को अंत में हाथ मलने पड़ते हैं। नमक मिर्च लगाना अर्थात किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। रमा की बात पर मत जाओ, उसे नमक मिर्च लगाने की आदत है। कान पर जून ना रेंगना अर्थात कुछ असर ना होना। इतना समझाने पर भी प्रेरणा के कान पर जूं तक ना रहेंगी। दाल में काला होना अर्थात कुछ गड़बड़ होना। एजेंट को ऐसे ही पैसे मत पकड़ाओ, मुझे दाल में काला लग रहा है। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होना। परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। राय का पहाड़ बनाना अर्थात छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। सलीम ने राय का पहाड़ बना दिया, नहीं तो सब ठीक था। कमर कसना अर्थात तैयार होना। मेडिकल की परीक्षा के लिए निरंजन ने कमर कस ली है। अगर मगर करना अर्थात टाल मटोल करना। खुद खाना बनाने की बारी आई तो अगर मगर करने लगा। पीठ ठोंकना अर्थात शाबाशी देना। कुश्ती जीत लेने पर पिता ने पुत्र की पीठ ठोंकी। पेट में चूहे कूदना अर्थात बहुत भूख लगना। शीघ्र कुछ खाने को दे दो, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। खुद को कक्षा में प्रथम स्थान पर बताकर नीता ने अपने दोस्तों को ही उल्लू बना दिया। टांग अड़ाना अर्थात बीच में दखल देना। हम दोस्तों की बातों में किसी को टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लोकोक्तियां। लोकोक्ति दो शब्दों लोक और उक्ति अर्थात लोक जमा उक्ति के मेल से बना है। इसका अर्थ है लोक में प्रसिद्ध बात या कहावत। लोकोक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर भी यह अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जैसे दूध का दूध पानी का पानी अर्थात स्पष्ट न्याय करना। न्यायाधीश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अंधा क्या चाहे दो आंखें अर्थात बिना प्रयत्न के ही मनचाही वस्तु मिलना।
देवेश को उसके ससुर ने मकान गिफ्ट में दे दिया। भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधों में काना राजा अर्थात मूर्खों में थोड़ा समझदार। सारा गांव अनपढ़ है, केवल गरिमा ही दसवीं पास है, उसकी स्थिति अंधों में काना राजा वाली है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते अर्थात दुष्ट मार खाए बिना ठीक रास्ते पर नहीं आते। इसे चार डंडे लगाओ तभी सच बोलेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सावन हरे न भादो सूखे अर्थात हमेशा एक जैसी दशा में रहना। चेतन हर स्थिति में खुश रहता है, उसकी तो सावन हरे न भादो सूखे वाली बात है। सहज पके सो मीठा होए अर्थात धीरे धीरे किया जाने वाला काम हमेशा अच्छा रहता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ता मत पकड़ो, सुना नहीं सहज पके सो मीठा होए। थोथा चना बाजे घना अर्थात अयोग्य व्यक्ति हमेशा बढ़ चढ़कर बोलता है। रमेश सारा दिन अपने गाने की तारीफ करता है लेकिन गाता बेसुरा है, सच है थोथा चना बाजे घना। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर अर्थात अपनी औकात में रहकर ही काम करना चाहिए। इतना महंगा सामान खरीदने से पहले जेब तो देख लेनी चाहिए थी भाई। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। दूर के ढोल सुहावने अर्थात दूर से प्रत्येक वस्तु अच्छी लगती है। सब कहते हैं सोहन के घर में सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर में जाकर देखो तो पता चले कि सब लड़ते रहते हैं। सच ही कहा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। घर का भेदी लंका ढाए अर्थात आपसी फूट से नुकसान होता है। रावण और विभीषण की आपसी फूट का लाभ श्री राम को हुआ, इसीलिए तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया अर्थात अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना। दीपिका ने जी तोड़ मेहनत करके पेंटिंग बनाई परंतु बिकी केवल 100 रुपए की। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया।